मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है चिटनाड मटन। तो इसके लिए आपको चाहिए मटन, यहाँ पर मेरे पास 1 kg का मटन है। इसमें जो है इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए हल्दी, सो दैट्स 1/2 teaspoon हल्दी जाएगी, नमक जाएगा 1.5 teaspoon। जो सालन में डालना है वही मैं नमक यहीं पर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको जायके मुताबिक कम लगता है तो आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी मैं, अबाउट 1/2 teaspoon जितनी है रेड चिली पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे आप छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब यहाँ पे हमने इसका एक मसाला ग्राइंड करना है, तो आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। एक आप फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आप 3 से 4 जो है पीसेस ले लेंगे सिनेमन स्टिक के, ठीक है। उसके बाद बीच में आप डालेंगे लौंग 1/2 teaspoon जितनी है, और उसके बाद बीच में जाती हैं स्टारनीस यानी कि जो बादियान का फूल होता है, एक अदद आप वो डालेंगे बीच में, ज़रा टूटा हुआ है इसे ज़्यादा लग रहा है आपको। सब्ज इलायचियाँ आप इसमें डालेंगे 10 अदद। उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा 1 teaspoon है, सौंफ इसमें आप डालेंगे 1 teaspoon, साबत काली मिर्चें जो होती हैं 1 teaspoon वो जाएंगी, और साबत धनिया जो होता है सूखा वो आपको चाहिए 1.5 tablespoon, ठीक है। ये तमाम चीज़ें चली गई। उसके बाद आप इसको जो यहाँ पे ड्राई रोस्ट करते हैं, और बीच में लाल मिर्चें जाएंगी ड्राई साबत, यहाँ पे मैंने 10 अदद की हुई है, 10 से 12 कर लें, इट डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी पसंद है। बेसिकली ये रेसिपी काफ़ी स्पाइसी होती है, तो आप इसका ख्याल खुद भी रख सकते हैं। आप 5 कर सकते हैं क्योंकि फ्रेश पेपरकॉर्न जो है इससे ज़्यादा इसका जायका आता है, तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि आपने इसको कितना कम या ज़्यादा करना है लाल मिर्चों को। तो आप 5 कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 10 अदद डाली हैं। इसे अच्छी तरह पर यहाँ पर ड्राई रोस्ट करते हैं, और फिर इसके अंदर क्या डालेंगे आपको वो बाद में दिखाते हैं। मीडियम फ्लेम पर रखकर आपने इसको जो है मसालों को भूनना है। आप देखिए बीच में इनका कलर चेंज होना शुरू होता है, और बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, ड्राई स्पाइसेस का एक अरोमा होता है। तो ये कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे 1/2 cup जितना डेसिकेटेड कोकोनट। अगर पहले डाल देंगे तो वो जल जाएगा, जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो ये आपने ख्याल रखना है। अब इसमें आप चमचा हिलाते रहेंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लें कि आप देखेंगे कि कोकोनट का कलर जो है थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाता है। तो 1/2 cup जो है आप ये इस्तेमाल करेंगे, तमाम को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें, और इसको फिर ठंडा कर आपने बिल्कुल पीस लेना इनटू अ पाउडर, ठीक है। तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आपने तेल गर्म करना है, तेल यहाँ पे मेरे पास 1/2 cup जितना है। इसमें सबसे पहले आप ऐड करेंगे 1/2 teaspoon सौंफ है मेरे पास, उसके बाद तेज़पात आपको चाहिए होंगे 2 से 3 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दें, और इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करते हैं, सॉरी फ्राई कर रहे हैं बेसिकली। और उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज, 2 बड़े साइज के आप प्याज लेंगे, और आपने इसके अंदर ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 tablespoon भर कर है। फ्लेम को आप हाई पर रखेंगे, और यहाँ पर आपने बेसिकली जो करना है वो ये है कि प्याज और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, और जो भी इसमें लिक्विड होता है प्याज का वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। खुद ही देखेंगे उसका कलर जो है सुनहरे कलर की तरफ आ जाता है। तो ये फ्लेम हाई रखें और इसको अच्छे से यहाँ पर हम फ्राई कर लें। तो ये देखिए यहाँ पे जो है प्याज हल्का सा अपना कलर चेंज कर लिए। बेसिकली आपने जो करना है इसको हाई फ्लेम पे इस तरह आपको करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और जितना भी बीच में प्याज पानी छोड़ता है वो खुश्क हो जाना चाहिए, और तेल जो है दोबारा आप देखें सर्फिस पर आता है। और इसकी परेशानी ये होती है कि जिस वक्त आप प्याज को गर्म तेल में डालते हैं वो काफ़ी उछलता है, ठीक है। और जब ये इसमें लिक्विड ख़त्म हो जाता है बेसिकली, तो ये जो है उछलना इसका बंद हो जाता है प्याज का। अब आपने इसमें ऐड करने हैं टमाटर, तो टमाटर मेरे पास यहाँ पर है 3 बड़े साइज़ के, इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था, ठीक हो गया। फ्लेम भी हाई पर है, और आपने करना यहाँ पर ये कि प्याज का जो है सॉरी टमाटर का जो पानी है कम्प्लीटली खुश्क हो जाना चाहिए। इसको यहाँ पर अच्छे से भून लेते हैं पहले, और उसके बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, अब आपने इसमें जो ऐड करना है वो है ये हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला, ठीक है। ये तमाम इसमें जाता है, ये 1 किलो का हिसाब होता है,
इसको उसमें मिक्स करें पहले अच्छे से। ये जाना ये बहुत ही डिफरेंट सालन है। ईद के मौका पे आपको बहुत सी रेसिपीज दी हैं, रान है, सालन मतलब के मुसल्लम भी हैं, काफ़ी आपको डिफरेंट डिफरेंट शाही चीज़ें भी सिखाई हुई, तो वो आप एक दफ़ा प्ले लिस्ट को दोबारा ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें से काफ़ी आपने नहीं भी ट्राई की होंगी। और ये भी उसमें आपके लिए एक एडिशन है ज़रा, तो ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, समथिंग न्यू। ठीक है, ये चला गया मसाला बीच में, और इसके साथ ही अब ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड मीट है, ये तमाम डालेंगे आप, और इसको अच्छी तरह पहले यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, अब ये है कि अगर आप जल्दी में हैं तो फिर आप इसे इस प्रोसेस को जो है अब निकाल करके एक प्रेशर कुकर में डाल लें, और उसमें आप पानी डालेंगे। इस समय यहाँ पर पानी ऐड करने लगी हूँ, और आप इसको मटन है तो 25 मिनट आपको प्रेशर कुकर में लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको सादी हांडी में बना रहे हैं, आपके पास वक्त है, तो यकीन जाने का कि प्रेशर कुकर से ज़्यादा आपको जायका इस तरीके से आता है। तो दैट्स योर चॉइस, आपको मैंने ऑप्शन बता दी है। मैं इसको इसी के से यहाँ पर बनाऊँगी, प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 गिलास इतना पानी, वो इसलिए क्योंकि ये मटन है, और अगर आपको कोई इशू होता है, अगर आप सादी इस तरीके से मेरी तरह बना रहे हैं, तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में जो है आप कम पानी इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रेशर में वो जल्दी कुक हो जाता है। उसमें आपको तकरीबन 1 कप जितना पानी चाहिए होगा, 1 से 1.5 कप कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर 1.5 गिलास जितना पानी डाल रही हूँ, वही जग जिसमें मैंने टमाटर ग्राइंड किए थे, कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए ये बीच में पानी डाल दिया। इसे यहाँ पर मैं जो है अच्छे से मिक्स करूँगी, और हमेशा आपको बताया वेट फॉर अ बॉयल, जैसे इसमें जोश आएगा, हाई फ्लेम है नीचे, तब आप इसे कवर करेंगे, और उसके बाद इसे आप कुक करेंगे लो टू मीडियम पर, के यहाँ तक कि मटन आपका परफेक्टली गल जाना चाहिए, जो भी पानी आप बीच में छोड़ डाल रहे हैं, और जो गोश्त पानी छोड़ेगा इनफैक्ट वो तमाम खुश्क हो जाएगा और तेज़ आ जाएगा सर्फेस पर। तो उसको जैसे कुक हो जाने देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर ये परफेक्टली तैयार हो गया। ठीक है, और तेल घी जिसमें आप इसको बना रहे हैं वो सरफेस पर आ गया। अब आपने इसमें ऐड करना है हरा धनिया, अब आप हैंडफुल जितना हरा धनिया आप डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और उसके बाद हम करते हैं डिश अप। इसी के साथ इसे बनाते हैं, उसको आपने अच्छी तरह भूनना होता है, आप इसको सर्व करते हैं। आपका दिल चाहे तो सफ़ेद चावलों के साथ, ट्रेडिशनली तो ये वैसे सर्व होता है, और चाहे तो आप इसको रोटी या नान के साथ में भी खा सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी, आपको ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी आपको जो मिलती है वो है कम्प्लीट इंग्लिश में मेरी वेबसाइट पर whiskcookwithfaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।